मेरा नाम सुदर्शन कुमार शर्मा है और जहाँ का मैं सरपंच हूँ सेवादार हूँ जसरोटा राखशहरी पंचायत का ये जो हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है ये रेलवे के मतलब जहाँ पे हमने किया है रेलवे के रिलेटेड रेल ये रेलवे हमारे लिए एक किस्म की मौत है आपने देखा जो तीन दिन पहले एक मुझे इन्होंने लेटर दिया था कि तीन दिन के लिए रेलवे क्रॉसिंग जो बंद रहेगा जब हमने देखा जहाँ पे आकर इन्होंने सिर्फ दो बंदे लगाए थे और राजबाग से ऊपर पंद्रह पंचायतें पड़ती हैं और कम से कम बीस हजार नियर अबाउट पॉपुलेशन है इन्होंने तीन बंदों के लिए तीन बंदे जहाँ पे लगाए थे ये एमरजेंसी काम है हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि हमने चाइना से मुकाबला करना है लेकिन इन्होंने तीन बंदे लगाए थे सारे और रेलवे वो बिल्कुल ठीक तरीके से बंद कर दिया था उसके बाद इन्होंने जो स्पीड ब्रेकर बनाए हैं कम से कम भी कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो नीचे नहीं लग रही है इन्होंने कम से कम डेढ़ फुट आप देखिए आप अपना कैमरा घुमाइए आप देखिए डेढ़ फुट ऊंचा इन्होंने जो स्पीड ब्रेकर बनाया है ये हमारे लिए ये भी एक मौत का कारण बना हुआ है तो आज का हमारा जो जो प्रोटेस्ट था वो इसलिए था जा ये आए भी थे इन इन जी साहब को हमने बताया था इन्होंने कहा था खुद कहा था कि ये गलत बना हुआ है लेकिन उसके बाद इन्होंने ना अपना चेहरा दिखाया और ना इन्होंने कोई टेलीफोन किया हम बार बार इनको टेलीफोन करते रहते हैं हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस है वो बाइक लेकर जाते हैं गिर रहे हैं पीछे औरतें बैठी हैं हमारी बहनें वो भी गिर रही हैं गाड़ी नीचे लग रही है ये क्या कर रहे हैं तो इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया अगर ये दो दिन के अंदर अंदर नहीं ठीक किया तो हम रेलवे रेलवे के लाइन के आगे बैठेंगे फिर इसका जो जो भी भरपाई होगी वो जो इंजीनियर है एस या रेलवे का वो वो उसका जिम्मेदार होगा मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है मेरी पंचायत फोरलैंड बेस्ट भी मैं सरपंच हूँ आए दिनों हमने देखा था कि सरपंच साहब ने एक अपने सोशल मीडिया पे एक सर्कुलर जो है डाला था उसमें लिखा था कि ये वाला रोड जो है बंद रहेगा और जो काम चल रहा है रेलवे का काम चल रहा है तो हमने देखा कि अल्टरनेट जो रोड हमें जो रोड दिया गया था वो वही सिंगल रोड है कई एक्सीडेंट वहाँ पर हो चुके हैं और फिर हमने देखा कि इन्होंने एक स्पीड ब्रेकर बनाया स्पीड ब्रेकर डेढ़ फुट ऊंचा है हमारे इधर तीन चार धार्मिक स्थान है जैसे हमारा काली माता का मंदिर है महानाल है हमारी उज डैम है जहाँ पे आए दिनों कई पर्यटक चलते रहते हैं और कोई भी गाड़ी यहाँ पे ऐसी नहीं है जो नीचे नहीं लगती है सभी गाड़ियाँ तोड़ दी है और हम ये, हमें ये आज तक पता नहीं चला कि कैसा इंजीनियर है जिसने इतना बड़ा जो स्पीड ब्रेकर बनाया हमारे बच्चे यहाँ पे कई गिर चुके हैं हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं और आज हम सभी हमारे भाइयों ने ये प्रोटेस्ट किया है कि इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए अगर नहीं हटाया जाए तो हम सरपंच साहब ने जो बात बताई कि हम नेशनल हाईवे पे बैठेंगे जहां हम रेलवे फाटक पे बैठेंगे ये हमारी मौत का कारण बन, बन रहा है और ऐसा ना हो कि कहीं हमें अपनी जान के जान गंवानी पड़े थैंक यू जयंक यू